सोहे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों फाइनली आईक्यू नियो 5 आज लॉन्च हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इस स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ बताऊंगा, इस स्मार्टफोन के क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इसका प्राइस क्या है, इंडिया में लॉन्च होगा कि नहीं होगा, हम लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर आपको 6.62 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 300 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है। तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा काफ़ी स्मूथ होगा, जब भी डिस्प्ले से इंटरेक्ट करोगे काफ़ी आपको स्मूथ फील होगा, ठीक है। ऊपर से इतना अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी मिल जाता है, यानी कि डिस्प्ले टाइप इतना अच्छा मिल जाता है कि कलर्स काफ़ी अच्छे दिखाई देंगे। और दोस्तों बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाता है, यहाँ पर आपको 1300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस मिल जाता है, तो आउटडोर विजिबिलिटी भी बहुत अच्छा रहेगा। अब जब भी स्मार्टफोन को बाहर लेके जाओगे तो सारे कंटेंट अच्छे से दिखाई देंगे। और HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिलता है, तो अब जब भी गेमिंग करोगे, कंटेंट कंज्यूमिंग करोगे, आपका एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार होगा, काफ़ी अच्छे कलर्स आपको दिखाई देंगे, बहुत ही शार्प डिस्प्ले है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर आपको दोस्तों 397 का PPI मिल जाता है, तो पिक्सल पर इंच भी बहुत अच्छा है, डिस्प्ले देखने में बहुत ही शानदार है, छोटे से पंच होल के साथ आता है एंड डिस्प्ले बहुत अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड कर देता है अपने प्राइस रेंज के हिसाब से। डिस्प्ले वाइज स्मार्टफोन बहुत ही शानदार है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिफ्रेश रेट मिल जाता है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिल जाता है, बहुत अच्छा ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है, तो डिस्प्ले बहुत ही अच्छे पैकेज के साथ आता है। चलिए बात कर लेते हैं कैमरास के बारे में। तो कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन थोड़ा सा पीछे चला गया, क्योंकि दोस्तों हम लोग जितना पे कर रहे हैं ना उस प्राइस रेंज में 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ कुछ कैमरास थोड़े पीछे चले जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ कैमरास थोड़े अच्छे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग। सेल्फी की बात कर ले तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाता है वाइड एंगल लेंस के साथ, जो छोटे से पंच होल के साथ आता है, सेंटर पे रहता है। कैमरा वाइज थोड़ा और इंप्रूव होता तो मजा आ जाता है, फिर भी बहुत अच्छे कैमरास मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़े और स्पेक्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको UFS 3.1 का शोर सपोर्ट मिलता है, LPDDR4X RAM टाइप के साथ आता है। जी हाँ दोस्तों, LPDDR4X RAM टाइप ही देखने को मिलता है, जबकि UFS 3.1 के शोर सपोर्ट के साथ LPDDR5 RAM टाइप देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा वियर्ड लगा मेरे को। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है, 4400 mAh का बैटरी मिल जाता है, 66 वॉट के सुपर फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है और एंड्रॉइड 11 के साथ आएगा, जो ओरिजिन OS पे रन करेगा। बाकी सारे स्पेक्स भी बहुत ही अच्छे हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 870 देखने को मिल जाता है, जो 7 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, Adreno 650 का GPU मिल जाता है। तो देखो यार, फ्लैगशिप प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस वाइज ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हाई ग्राफिक्स पर आराम से गेमिंग करोगे। फ्लैगशिप प्रोसेसर दोस्तों आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस वाइज तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, स्मार्टफोन रॉकेट के जैसा चलेगा। आप जब भी गेमिंग करोगे, कंटेंट कंज्यूमिंग करोगे, कोई भी काम करोगे, स्मार्टफोन काफ़ी फास्ट वर्क करेगा। परफॉर्मेंस वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जा रहा ना, इस वजह से। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन कल चाइना में लॉन्च हो गया था। प्राइसिंग की बात कर ले तो 8+128GB 27,800 का लॉन्च हुआ है, और 8+256GB 30,115 का, 12+256GB 33,460 का। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इंडियन अवेलेबिलिटी के बारे में। ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा कि नहीं होगा, कब लॉन्च होगा, किस प्राइस पर लॉन्च होगा, वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देखो यार, इंडियन अवेलेबिलिटी को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। यह स्मार्टफोन इंडिया में कब लॉन्च होगा इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अप्रैल के मंथ में 2 या 3 स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च होंगे, आईक्यू लॉन्च करेगा, ये 100% कन्फर्म है। अकॉर्डिंग टू लीक्स, आईक्यू 7 इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएगा। आईक्यू 7 एक फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन है, जो अप्रैल के मंथ में इंडिया में लॉन्च होगा, ऐसे ऐसे रूमर्स आ रहे हैं। नहीं तो आईक्यू 5 सीरीज के स्मार्टफोन्स लॉन्च हो जाएंगे, जो इससे अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन एक बात मान के चलो कि आईक्यू अपने स्मार्टफोन्स को, 2 या 3 स्मार्टफोन्स को अप्रैल के मंथ में इंडिया में लॉन्च कर देगा, ठीक है। और रहा सवाल वेट करने का, तो एक महीने का बात है यार, वेट करना है तो कर लो, अदरवाइज दोस्तों आप जाके OnePlus 8T परचेस कर लो, बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। नहीं तो ओप्पो रेनो 5 प्रो परचेस कर लो, वो भी बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। नहीं तो एक महीना वेट कर लो, क्या पता आपको और अच्छे ऑप्शंस देखने को मिल जाए, खास के आईक्यू का। तो दोस्तों बस ये कंप्लीट पैकेज आईक्यू नियो 5 का। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो उसको लाइक कर दो, चैनल पे नया आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको आईक्यू नियो 5 कैसा लगा। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक्स रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ और आपको टेक न्यूज़ भी देता हूँ, लेकिन अभी एक हफ्ते से नहीं दे पा रहा हूँ, मेरा तबीयत अभी सही नहीं हुआ है,
कुछ दिन बाद सर्जरी होगा, उसके बाद फिर बताता हूँ आगे का क्या प्रोसेस है। तो मिलता हूँ आप सभी से अगले और एक नई वीडियो में। हमें अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय।